हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। क्लबिंग प्रोविजन ऑफ इनकम चैप्टर चला हुआ है, ठीक है। आज का सेक्शन शुरू कर रहे हैं सेक्शन 61, जिसका नाम है रिवोकेबल ट्रांसफर। इस केस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इनकम है, ठीक है ना, रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में इनकम जो होगी वो ट्रांसफरी रिसीव करेगा, ठीक है ना, ट्रांसफरी रिसीव करेगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसफर, जिसे ट्रांसफर किया, राइट। ये तो नॉर्मल पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। अगर रिवोक कब हुआ है? डेथ होने के बाद, यानी जो बेनिफिशियरी है या जो ट्रांसफर है उसकी डेथ होने के बाद रिवोक हुआ है, ठीक है, तब ये ऊपर वाला प्रोविजन लागू नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि पेपर वेपर के लिए कुछ खास इंपोर्टेंट है, बस आपको पता होना चाहिए, मैंने करा दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। और देखो, जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है ना, हमेशा कमेंट किया करो, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई क्या है, क्या चीजें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आपको लगता है, मैं यहाँ पर कंप्लीट आपके सारे चैप्टर, इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है ना। चैनल थोड़ा सा नया है, ठीक है ना, लेकिन टीचर आपका पुराना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।